हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 16 अक्टूबर दिन बुधवार, कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? व्यापार, करियर और उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छूटने ना पाए। आपको बता दें कि वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोजाना राशिफल आपको पता हो सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में अपने आप को सक्षम बना सकें। कर्क राशि वाले जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि आज राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो हैं आज आपकी पूरी होने वाली है। आज आपको बताना चाहेंगे कि व्यावसायिक कार्य में कोई भी क्षेत्र में किया गया कार्य आज आपका लाभकारी सिद्ध होने वाला है। कोई भी आज व्यावसायिक योजना आपकी भलीभूत होने वाली है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहने वाला है। आज आपका भाग्य पूरा पूरा साथ दे रहा है जिसकी वजह से आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में आपको तरक्की ही नसीब होने वाली है। आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आप पर बस बरस रही है जैसे मानो माँ लक्ष्मी आपके घर पर निवेश कर चुकी हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज से लेकर दीपावली तक आपको कुछ ऐसा महसूस होने वाला है, ऐसा आपको लगने वाला है जैसे मानो माँ लक्ष्मी की आपकी कृपा बरस चुकी हो। आप मालामाल होने वाले हैं। बहुत दिनों से आ रही आर्थिक तंगियां, आपके व्यापार में आ रही अड़चनें, ये सभी की सभी दूर होने वाली है। आपका भाग्योदय अब होने वाला है। आज बहुत दिनों से आपकी अगर जिंदगी कष्ट में गुजर रही है तो आपके दिन कष्टों का घड़ी अब खत्म हो चुका है। आपका परिवार खुशियों भरा रहने वाला है। आपको बता दें कि कुछ पारिवारिक समस्याएं हो सकती है जिसको आज के दिन आपको अनदेखा करना चाहिए। आज के दिन आपको किसी से भी मनमुटाव नहीं करना चाहिए। झगड़ा मोल ना लें, बेफिजूल की बातों से आज आपको बचना चाहिए। वाहन सावधानी पूर्वक आज के दिन आपको चलाना चाहिए। आपको बता दें कि जोखिम भरी परिस्थितियों से आज आपको दूर रहना चाहिए। आज आप सुबह सुबह उठते ही माता गौरी की उपासना अवश्य करें और इसे करने से आपके दिन में जो भी कष्ट हैं, जो भी आपकी आ रही परेशानियां हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने आप को इतना लकी महसूस करोगे, जिस भी क्षेत्र में जाओगे उसमें सिर्फ आपका तरक्की ही तरक्की होने वाला है क्योंकि भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिल रहा है। आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप अपने कर्मों को अच्छे बनाते जाइए, आपको फल उसी हिसाब से मिलेंगे जिस हिसाब से आप अपने कर्म को करना चाहेंगे। मित्रों, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें ताकि आपके दोस्त भी, आपके भाई भी इन सभी उपायों को कर कर अपने आने वाले दिनों को बेहतर